नमस्ते फ्रेंड्स, पीएफ रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप में से कई सारे लोगों को पीएफ का विड्रॉल करते समय एक एरर दिखाई दिया होगा। वो एरर जो है बैंक अकाउंट नंबर के बारे में है, बैंक अकाउंट की डिटेल के बारे में है। जिस एरर में बताया गया है कि जो बैंक अकाउंट की डिटेल है वो मैच नहीं होती है। इस एरर में बताया गया है कि जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स हमने बताई है वो डिटेल्स बैंक में जो डिटेल्स है उस डिटेल के साथ में मैच नहीं हो रही है। तो ऐसे में अब हमें हमारा बैंक अकाउंट की डिटेल फिर से अपडेट करनी होगी। तो यह इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि ईपीएफओ के पोर्टल पर बैंक अकाउंट कैसे अपडेट करें। तो इसके लिए हमें यहाँ ईपीएफओ के मेंबर पोर्टल पर आना होगा, उसके बाद यहाँ लॉगिन कर लेना होगा। अब लॉगिन करने के बाद बैंक अकाउंट की डिटेल्स अपडेट करने के लिए हमें यहाँ मैनेज वाले ऑप्शन पर आना होगा। इसके बाद केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ हमने जो ऑलरेडी बैंक अकाउंट ऐड किया था वो यहाँ रिजेक्टेड दिखाई दे रहा है क्योंकि बैंक डिटेल जो है मिसमैच हो रही है। तो अब हमें यहाँ बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। तो यहाँ आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ से आप पैन नंबर भी अपडेट कर सकते हैं, बैंक अकाउंट भी कर सकते हैं और पासपोर्ट की डिटेल भी अपडेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ बैंक अकाउंट नंबर अपडेट करने वाले हैं, तो यहाँ बैंक के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमें हमारा बैंक अकाउंट का नंबर देना होगा, आईएफएससी कोड देना होगा, उसके बाद यहाँ प्रोसीड करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ बैंक अकाउंट नंबर ऐड कर लेंगे। इसके बाद यहाँ हमें बैंक अकाउंट नंबर को कंफर्म करना होगा, तो यहाँ बैंक अकाउंट नंबर फिर से एंटर करना होगा। इसके बाद यहाँ बैंक का आईएफएससी कोड एंटर करना होगा। इसके बाद यहाँ वेरीफाई आईएफएससी के ऊपर क्लिक करके इसे वेरीफाई करना होगा। यह ओके कर लेंगे। अब यहाँ हमने जो बैंक की डिटेल्स एंटर की है वो वेरीफाई हो चुकी है। अब यहाँ हमें इस डिटेल्स को वेरीफाई करना होगा, तो यहाँ एक बॉक्स के ऊपर टिक करना होगा और इसके बाद यहाँ सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद हमें इस डिटेल्स को आधार ओटीपी द्वारा वेरीफाई करना होता है, तो यहाँ मोबाइल पर जो ओटीपी आया है उसे एंटर करना होगा। अब आधार ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब यह मैसेज दिखाई दे रहा है कि हमने जो बैंक अकाउंट नंबर यहाँ एंटर किया है उसका वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस है, इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। यहाँ नीचे यह केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल के अंदर हमें हमारी डिटेल्स दिखाई देगी जो हमने अभी एंटर की है, और यह इसका स्टेटस वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस दिखाई दे रहा है। अब इसके लिए हमें यहाँ वेट करना होगा। यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, इसका वेरिफिकेशन बैंक द्वारा किया जाएगा। जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा हमें मैसेज आ जाएगा, या हम इस पोर्टल पर लॉगिन करके उसे चेक भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।